सब बर्ड्स को ये मोटिवेट है लूज पैकिंग में लेके आया हूँ। ये पांच चीज़ें हैं, ये पांच चीज़ें मैंने पूरा सीजन यूज़ करवा के अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेनी है। दोस्तों सबसे पहले अपनी कलोनी वाली जो बर्ड है उनको ये जो छलियाँ हैं ना, ये छलियाँ हम पहले इन्हें डाल देते हैं। ये छोटे चोर दरवाजे से चल भाई, क्योंकि अभी ये हमारे बर्ड प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं हुए, मोल्ड में है, तो मोल्ड पे इनकी सिर्फ खिदमत ही करनी है। ये मैंने नीचे वाली फ्लैट से निकाल के ऊपर वाली फ्लैट में छोड़ दी है, तो माशाल्लाह बहुत ही डार्क कलर में ये मेरे पास, ये सारे देखें ऐसे डन फैलो लग गए हैं, डन फैलो। बहरहाल मजे की बात यह है कि सारे पेल फैलो गए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो आपको पता है जैसा कि लबर के सेटअप पे भी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, प्रॉपर इनकी वीडियोस बनना स्टार्ट हो गई हैं, पीछे देख सकते हैं। ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से आपको गाइड करूंगा कि क्या क्या सीधा सीधा पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए ड्यूरिंग ब्रीडिंग, जो है ना उनकी वजह से कोई मामला ऐसे ना हो जिसकी वजह से कि ब्रीड मुतासर हो बर्ड की, तो उसके लिए क्या क्या हमें उससे पहले काम करने हैं। कुछ चार पाँच पॉइंट है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करेंगे, तो वो पॉइंट आपने बंदे नज़र रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें, हमने पूरा सीज़न बर्ड बाय करके इस तरह कलोनियों में छोड़े हुए थे ताकि वहाँ पे अच्छी डाइट और अच्छी फ्लाइंग के साथ इन बर्ड से हम जो है ना साइज़ वगैरह गेन करवाएं, इनके फीचर वगैरह अच्छे हों, अच्छी फ्लाइट में अच्छा साइज डिवेलप हो। जबकि बर्ड जब हमारे तैयार हो जाते हैं तो फिर हम इधर से निकाल के, हाँ एक चीज़ आपने नोटिस में रखनी है, वही बर्ड पकड़ना है जिसकी उम्र एक साल हो जाए। ब्लैक आई बर्ड आठ महीने का भी चल जाता है, तो एक साल वाले बर्ड डीएनए के साथ मेल फीमेल कन्फर्म हो, वो हमने यहाँ से उठाने हैं और उनको भाई साहब ऐसे करके हमने पेयर अप कर देना है। ये देखें अब यहाँ पे हमने वो पेयर लगा दिए हैं जिनसे हमने ब्रीड लेनी है, तो ब्रीडिंग के लिए जो जो पेयर हमें दरकार है वो इस तरह करके वन बाय वन सभी केजेस में छोड़ देंगे ताकि उनसे अच्छी ब्रीड ले सके। पहला पॉइंट ये है, ये देखें ये पेयर देखें माशाल्लाह, ये भी पेयर है। इस तरह आपने जितने पेयर लगाने हैं अपने ब्रीडिंग केजेस को वॉश करके नीट एंड क्लीन करके सारे पेयर जो है ना जो ब्रीड के काबिल हो गए हैं उनको भाई साहब छोड़ दें। पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि इस तरह करके हमने सारे पेयर छोड़ देने हैं भाई साहब। उसके बाद अपने शेड को नीट एंड क्लीन करें, माइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, सैगवान विरकोन इसका स्प्रे करके डिस इन्फेक्ट कर दें। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि ब्रीडिंग सीज़न कब स्टार्ट होगा। ब्रीडिंग सीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने इंशाल्लाह ताला नौवें के एंड पे या दसवें के स्टार्ट पे डब्बे लगाने हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, उतनी देर तक मेरे अवेरी वाले बर्ड भी तैयार हो जाएंगे। उससे पहले जो है ना मैंने इन सब बर्ड्स को ये मोटिवेट है लूज पैकिंग में लेके आया हूँ। वीडियो के कॉर्नर पे इसकी आप ओरिजिनल तस्वीर भी देख सकते हैं। मोटिवेट 10 ml 1 लीटर पानी में डलती है भाई साहब, 30 रुपये की 1 ml मिलती है, तो फिंचेस को अगर 2 ml डलती है 1 लीटर पानी में तो लबर को थोड़ी ज़्यादा डलती है। रात के वक्त हमने सबका पानी निकाल देना है और दिन टाइम इनको प्यास दे के पानी लगा देना 24 घंटे के लिए। हाँ ये यूज़ करवाने से पहले 2-3 दिन पहले आपने अच्छी कंपनी के विटामिन मियादिक के करवा लें, विटासोल सुपर, यानी कि कुछ ताकत वाली इन्हें चीज़ें जो है ना खिला के रेडी कर लेना ताकि आपके बर्ड चुस्त मुस्त और तंदुरुस्त रहें। उसके बाद आपने ये डिवर्मिंग जो है ना मोक्सीवीट से करवा देनी है। इसका फ़ायदा ये है मोक्सीवीट का, इससे आपकी डिवर्मिंग बर्ड की हो जाएगी, इंटरनल एक्सटर्नल माइट्स जुएँ कीड़े मकोड़े हर चीज़ भाई साहब ड्रॉपिंग के ज़रिए रुच बायर हर चीज़ वो अपने जिस्म से ऐसे नीट एंड क्लीन पाक शफाफ हो जाएगा। तो उसके बाद आप देखिएगा बर्ड के फीडर क्वालिटी, उसकी शाइनिंग, अगर वो मोल्ट पे फंसा हुआ था तो उसका मोल्ट भी क्लियर हो जाएगा। पहला अमल ये करवाने के बाद आपने एक दिन सादा पानी देना, फिर दो दिन आपने प्रोबायोटिक्स यूज़ करवाने हैं। कोई भी अच्छी कंपनी के प्रोबायोटिक्स ले आइएगा, अब मेरे पास हैं थे वो लूज में तो ख़त्म हो गए हैं, अभी दोबारा इनकी डिवर्मिंग मैंने करवानी है, मैं कल इनको करवाऊंगा डिवर्मिंग, कल या परसों। तो उसके बाद जो है ना मेरा
प्रॉपर जो है ना थ्रू आउट 3 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो डिवर्मिंग के बाद हमने अपने बर्ड को जैसे ही केजेस में लगा लिया, अब जाहिर सी बात है ब्रीडिंग से पहले इनको अच्छे विटामिन देने हैं ताकि अनफर्टिलिटी का इशू ना आए। उसके लिए जो मैंने पूरा सीज़न यूज़ करवानी है, आप देख लें 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें मैंने पूरा सीज़न यूज़ करवा के अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेनी है। सस्ती भी है, 16,500 का ये तीनों का सेट मिल जाता है। ये लिप्टो सेफ है, इसका आगे चल के आपको बताता हूँ भाई साहब। ये कैल्शियम और ये चीज़ें जब तक पहला अंडा नहीं आना हमने डालते जाना है। 1 cc 1 लीटर पानी में कैल्शियम डलता है, मियालिक है वो भी 1 cc 1 लीटर पानी में डलता है, ई सेल है वो भी 1 cc 1 लीटर पानी में डलता है। ई सेल का काम होता है बर्ड को मोटिवेट करना ब्रीडिंग की तरफ, यानी कि उसको गर्मी में लाना, उसको हीटअप करना, उसके अंदर जो बगैरती यानी कि ठंडी हुई है उसको उजागर करना ताकि वह मादी को क्रॉस करे और अंडे ले करवाए। और बड़ा रोल इसका ये है कि अंडे फर्टाइल भी हों, नर को फर्टाइल करने में इसका बड़ा अमल दखल है। तो इसको भी हम पानी में यूज़ करवाएंगे। उसके बाद मल्टी विटामिन्स, बर्ड के अंदर जितनी भी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है वो साथ साथ क्लियर होती रहती है, यानी कि डिक्रीज करती है, तो उनको मेंटेन करने के लिए ये और ये मैंने कभी, यानी इन तीनों को मैंने पानी में इकट्ठा यूज़ करवाना है। उसके साथ मल्टी विटामिन कभी मैं सेमोस्ट्रेस डाल दूँगा, कभी मल्टी विटामिन मियालिक के, यानी कि हफ्ते में 3 दिन ये चले करेगा, 3 दिन ये। विटामिन्स 2 मैं यूज़ करवा रहा हूँ, कैल्शियम और मियालिक ई सेल एक एक ही है। ये तीनों को मैंने इकट्ठा ही 8-10 लीटर जितना पानी बनना है भाई साहब उसमें डाल लेना है। पूरे हफ्ते की तरतीब ये है कि 4 दिन ये चीज़ें मुतवातर चलेंगी, फिर हफ्ते में 1 दिन मैंने सेब का सिरका डालना है, 1 दिन चुअर का और 1 दिन ये क्या बना है लिप्टो सेब। ये एक किस्म का लीवर टॉनिक है, अंदर से फासद जरासीम या बैक्टीरिया या ऐसे जो मादे हैं जो बर्ड के लिए हार्मफुल हैं उसको नुकसान देते हैं, सीब में चल जाता है बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, लीवर का यानी कि खून सही यानी कि उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये हम इसलिए यूज़ करवाते हैं कि हम अपने बर्ड को बकायदा फिल्ट्रेशन वाला पानी नहीं देते, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मामला चल रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये यूज़ करवाना शुरू किया है ना तो एकदम बर्ड जो है ना फिट रहा है। तो ये भी आपने लाजमी ले आना लूज पैकिंग में। बहरहाल मेरी जितनी भी प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही हैं ये पेट सिटी स्टोर है, इनसे ली हैं, नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें, इनसे आप मंगवा सकते हैं। लूज पैकिंग में भी मिल जाएगी, परेशान नहीं होना कि यार ये लीटर लीटर ही लाएँ। तो मैंने जितना भी ये आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है सारा पेट सिटी उस्मान भट्टी साहब हैं और जुनेद भाई उनकी शॉप है, तो उनसे मैंने ना ये परचेज़ किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको इस्तेमाल करवा रहा हूँ और बेहतरीन रिज़ल्ट जो है ना, पिछले सीज़न मैंने सिर्फ कैल्शियम लिया था मियालिक का, बाकी दो दूसरे ये पोल्ट्री के प्रोडक्ट हैं, 110% आपको रिज़ल्ट आएगा इसके साथ। अभी तो फ़िलहाल हमने केजेस में बर्ड को छोड़ दिया है, डेली बेसिस पे अब इनको छली वगैरह डाल रहे हैं, ये देखे तुके पे रहे हैं, नई एक्टिविटी दे रहे हैं ताकि इनका रिदम बने, इनका रुझान बने, आगे हमने इनसे ब्रीड देनी है। तो दिल छोटा नहीं करना, इंशाल्लाह ताला नेक नीयत से लगे रहे, जो रिजक इनके इनसे हमने मिलना है वो मिलके रहना, किसका बाप भी नहीं खो सकता। तो मार्केट का उतार चढ़ाव लगा रहता है, वैसे भी हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कारोबार ही नहीं कि जिसमें सिर्फ वन साइड मुनाफा हो, भाई साहब नफा और नुकसान एक साथ साथ चलते हैं, वही काम हलाल है। तो अगर आज इनमें लॉस जा रहा है या मार्केट क्रैश है तो भाई साहब कल इसी मार्केट में आप भी होना है, चाहे वो साल लगता है, 6 महीने लगते हैं या 2 दिन लगते हैं या 5 साल लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेटअप बंद कर दें, ये शौक है, पहले तो हमारा शौक है उसके बाद ये बिजनेस है। तो मैं इंशाल्लाह ताला तकरीबन 40 के करीब ये सारे सेटअप पे बर्ड ब्रीड करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। बाकी कुछ प्लान है कि बड़े बर्ड भी ऐड करें, जैसे कन्योर है और रिंगनेक वगैरह, उनके लिए सामने केजेस लगाएंगे ताकि उनसे भी अच्छी ब्रीड ले। तो दुआओं में याद रखिएगा, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका बड़ा बेनिफिट होगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाज में, लव यू ऑल।